और वहाँ पर बेहतरीन बढ़ाया करना चाहते हैं। अभी तो यहाँ पर जल्दी के पास भी तरीके से बढ़ाया था, लेकिन वहाँ पर उस लड़के का असिस्ट यहाँ पर नहीं दे पाए और ऐसे में बॉल का पोजिशन यहाँ पर दुर्गापुर की। दो नंबर वहाँ सफल इसको है, दो नंबर में सेंटर सेंटर से चलते हैं यहाँ NYC अयोध्या की पाल की तरफ से और अच्छा क्लियरेंस उसके द्वारा। लकी की कैप्टन है वहां पर गेंद को बढ़ा दिया था, लेकिन अभी भी बॉल का प्रतिशत वहां पर 4-5 निकालने का प्रयास किया था। इस तरीके से यहाँ 12 नंबर के लिए 50 मुर्मू ने की नो मैन क्षेत्र में बॉल जाएगी, ऐसे में बॉल गोल लाइन से बाहर। बॉल कीपर का वहां पर अच्छा सा सप्लाई गेंद को सेंटर चैनल में। अभी भी बॉल का प्रतिशत यहाँ पर 3-5 की वहां पर अच्छा पास बना गया 50 के वहां पर कोई संकेत नहीं वहां पर नहीं, लेकिन थोड़ा सा था चुकी है कि वहां पर पहला गोल हो सकता था। 50 यहाँ पर हिंदू का जिस तरीके से एक अच्छा शॉट लगाया, ऐसा शॉट अगर फ्रेम पर लगता तो यहाँ पर गोलकीपर जिस तरीके से यहाँ विनय मरंडी उनको बड़ा परेशानी यहाँ पर सामना करना पड़ सकता था। और बिल्कुल बात में जिस तरह का शॉट लगाया था, अगर वो इधर प्लेट के अंदर होता बेंच पर होता तो वाकई में यहाँ थोड़ा सा मुश्किल पर पड़ सकते थे यहाँ पर दुर्गापुर के टीम, लेकिन फिलहाल सुनिश्चित है अपने अपने स्थान पर और वाकई में ये दोनों टीम लाजवाब प्रदर्शन करके यहाँ तक पहुँची है। खास करके कहा जाए तो ये पार आईपीएल की टीम जो पहला राउंड टीम का खेल हुआ था उसमें से लाजवाब प्रदर्शन था स्थान का और उसके साथ सहयोगी के रूप में बहुजा और यहाँ के जैसे खिलाड़ी का अहम योगदान था, लेकिन यहाँ फिलहाल इस तरह का कुछ कारनामा देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहाँ से बोल दीजिएगा 6-70 होता हुआ यहाँ पर छूटा छूटा, लेकिन इंतजार रहेगा कि हम आज का जितना भी खेल हुआ है हर खेल में गोल जरूर देखने को मिला, भले वो गोल के बाद मुझे प्राइवेटर से सहारा लेना पड़ा है, लेकिन गोल जरूर देखने को मिला है। तो यहाँ इंतजार रहेगा कि इस खेल में भी अच्छी समय पर ही अगर गोल आए तो बहुत ही शुक्र समाचार होगा यहाँ टीम के लिए, लेकिन ये कहना बहुत जज्बाती होगा। इंतजार रहेगा सारे दर्शक प्रजा के साथ कि क्या यहाँ से गोल देखने को जरूर मिल सकता है। जी हाँ, ये तो गलती नहीं करेंगे, लेकिन दोनों ही टीम बड़ा ही सुपर खेलने का प्रयास किया है। ये भी जो टीम जीतेगा उसको कल के दिन में सेकंड सेमीफाइनल में मुकाबला एक सी परगना डोला के साथ खेलना होगा, इसके यहाँ से सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए दोनों टीम जाकर प्रयास करते हैं। और ऐसे के वहां से सिकंदर जिस तरीके से वहां पर बॉल को क्रॉस करने का प्रयास कर रहा था, निकल लगी बॉल जाएगी गोल लाइन से बाहर। गोलकीपर स्वर्णीय सौंदे विनय मरांडी और दुर्गापुर की अच्छा लय में इस बार धीरे धीरे मैच भी अच्छा पकड़ बनाने का प्रयास करते हैं। और मैं याद करता हूँ उनको का जिस तरीके से पिछले मैच जिस तरीके से यहाँ जो यहाँ संस्थाओं का मैच में दुर्गापुर टीम में हर्षा ब्रदर
अस्ता ब्रदर बुद्ध का के साथ खेला था और अच्छा खेल दिखा करके वो इसके बाद तक पहुंचे हैं दोनों ही टीम। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ अयोध्या टीम बाहर में पिछले मैच में टोटल 4 गोल डाला था और अभी तक का मैच एक टीम बाहर टीम में भी एक गोल भी नहीं लग पाया है और इसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक सही चेंज होंगे, एक खिलाड़ी यहाँ से चेंजिंग होने का तैयारी हो रहा है, जितना होगा इस प्रीति के माध्यम से जितना फायदा उठा पाते हैं और कहीं ना कहीं और प्रीति को लेने के लिए खेल तैयार है। इसी तरह से यहाँ एक खिलाड़ी का ये बहुत ही हाई रेंज का शॉट था, यह हवा हवाई से कहा जाए और इस तरह का शॉट लगाकर कोई टीम को फायदा नहीं पहुंचा सकते। यहाँ आपका कोशिश करना चाहिए हर हालत ट्रेन के अंदर रेंज के अंदर टारगेट लगाकर आपको शॉट लेना होगा, तभी आप जाकर टीम पर हावी होने का मौका मिल सकता है आपको जी। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट जैसे यहाँ पर सुनील सुरेंद्र जैसे दिग्गज खिलाड़ी को मैदान से बाहर किया गया है और फर्स्ट राउंड का मैच भी ऐसे हुआ था। इस तरीके से अभी 10 नंबर यहाँ इसके खिलौन मैदान पर आए हैं वो अपना निकाल लेने के लिए और इसी के बीच में एक अच्छा जजमेंट यहाँ पर अच्छा डिसीजन साथ ही साथ इस टूर्नामेंट को संचालन करने के लिए जितने भी रेफरी एसोसिएशन के सभी सम्मानजनक रेफरी को इस चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को बधाई देते हैं और आपने बड़ा ही निष्पक्ष भाव से हर मैच को संचालन किया है, इससे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आज के दिन में जितने भी दर्शक आए हुए हैं सभी दर्शकों को भी इस बातों की जानी जगह तरफ हाथी कर इस क्लब की तरफ से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं और एडवांस नहीं कल के लिए आप सभी को स्वागत करके रखते हैं। कल पहला सेमीफाइनल मैच होगा बीएसके कॉलेज पर होगा। आज का मैच में एफसी परगना टोला एक तरफ से वो ग्रुप बी से सेमीफाइनल के लिए जगह बना चुके हैं और अब जो मैच आप देख रहे हैं यहाँ पर अयोध्या टीम पहाड़ और यहाँ फ्रेंड्स दुर्गापुर के बीच में इस मैच में जो टीम जीतेगा उसको कल के दिन में सेकेंड सेमीफाइनल मैच खेलना होगा एफसी परगना टोला के साथ। और वाकई में ये आज दिन का अंतिम मैच है और अंतिम मैच का रिजल्ट देखना होगा किस प्रकार और किया था लेकिन अच्छा बचाव यहाँ पर द्वारा लेकिन शॉट क्या लंबा रन को तय करने पर मजबूत थे लेकिन शॉट गई बाहर जी। वहां पर सिकिटल का शॉट को भी ब्लॉक किया गया है और वहाँ पर सेकेंड टाइम में जिस तरीके से जर्सी नंबर 7 ने वहाँ लेफ्ट विंगर से वहाँ पर सोटो ने भी अच्छा शॉट लगाया था लेकिन वो बैलेंस शॉट होने की वजह से बॉल नियर पोस्ट गोल लाइन से बाहर चली गई थी। गेंद को चिप कर दिया है लेकिन गोलकीपर ने बॉल को वहाँ सप्लाई कर दिया है अपना सहेली गाड़ी के लिए बबूटा का भाव से अच्छा था पास लेकिन अभी भी बॉल का पोजीशन वहां पर दुर्गापुर की बॉल को लेकर के राइट विंगर को खेलने का प्रयास करेंगे यहां से जर्सी नंबर 50 पहने खिलाड़ी संजय किस्तुल लेकिन अभी भी बॉल का पोजीशन वहां पर संजय जी चुके हैं राइट फ्लैंक से वहां से जीके बॉल को डालने का प्रयास करेंगे वहां पर दो नंबर जा चुके हैं स्कोर रोकने के लिए सोफर किस्तुल वहां खुद ऐसे करते हैं यहाँ पर बैठक के लिए गए हैं टीम के लिए और अभी भी बॉल का पोजीशन वहां पर दुर्गापुर की 14 नंबर यहाँ बॉल को ले रहे हैं बापी सोरेन है 14 नंबर में अभी यहाँ से 17 नंबर जी नहीं वहां पर खुले हवा में खुले हवा में ऐसे में एक अच्छा निर्णय रेफरी का यहाँ पर हर कर ले सकता है
और वाकई में मतलब प्रिय ये आज का दूसरा दिन है, कल से आज के दिन में तमाम रेफरी मंडली द्वारा बहुत ही सुचारू ढंग से मैच को चलाते हुए आए हैं और कुछ रेफरी हमारे बंगाल और कुछ रेफरी हमारे झारखंड के साहिबगंज जिला से हैं। तो मैं तमाम रेफरी मंडलियों का एक बार पुनः शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सुंदर से सुंदर तरीके से मैच को चलाते हुए आए और आशा है कि इसी तरह फाइनल तक का सफर तय करेंगे। और यहाँ से छोटा सा पास जा रहा है मगर देखना होगा यहाँ से कितन के पास, लेकिन ये सेकंड राउंड के खेल में सिकेतन द्वारा इस तरह का कोई कारनामा नहीं देखने को मिला है जबकि फर्स्ट राउंड पर इनका लाजवाब प्रदर्शन था जिनके बदौलत ये हैट्रिक जैसा गोल डालकर टीम को एक मजबूती प्रदान करते हैं। फिलहाल मैच पर बने हुए हैं और मैच को खेलते हुए नजर आ रहे हैं। नवीन पास के माध्यम से देखना होगा क्या वो खिलाड़ी घर तक पहुंच पाते हैं। अच्छा वहां पर प्रदर्शन दुर्गापुर की टीम द्वारा जी यहां पर दुर्गापुर की ने भी बड़ा ही अच्छा यहां पर सेट किया है। अच्छा सपना कैसी बात थी को और चलिए पता वहां पर क्या मौका बना पाएंगे। एंटी कर बॉक्स के अंदर गेंद को वहां पर डाला था चार बॉक्स के अंदर जाएगी डिफेंडर का उठाया अच्छा क्लियरेंस पत्रास को लेकर के एक को सकने का प्रयास करेंगे वहां पर गति करके बाद में वहां पर अच्छा ही लेकिन चार नंबर वहां सही जगह पर मौजूद थे रहते हैं। सुमन तो है प्रभु और हेलर के टीम बॉल को वहां से बाहर करने का प्रयास किया था और ऐसे में बॉल जाएगी जो मैच से बाहर, लेकिन यहां पर कोना जर्सी डिवाइस होगा इस तरीके से यहां पर कोना पिक करने के लिए एक बार मौका मिलेगा एनवाईसी अयोध्या टीम पास टीम को। और बिल्कुल देखना होगा कि गवर्नमेंट टीम के माध्यम से कितना फायदा उठा पाते हैं, लेकिन बहुत ही शिकत के लक्ष्य के हाथ की पड़ता विनय मराठी द्वारा अभी तक का जो उनका सफर है बहुत ही सुंदर तरीके से अपने काम को अंजाम दिया है। लेकिन यहाँ देखना भाई पैदा करता और आप समझ सकते हैं चार गोल हो जाता कहीं ना कहीं पर अपने आप से बहुत ही नाराज होगा फर्स्ट सिलेक्शन से बहुत ही नाराज होगा क्योंकि जिस प्रकार से रोज होता लेकिन उस पर वो ऐसा कर नहीं पाए नहीं तो व्यक्तिगत फोन वो यहाँ चार होता और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज होता अपने टीम को मजबूती प्रदान करने के लिए और ऐसा भी हो सकता था तो अपने आप में बहुत बड़ा पछतावा होगा सीधी तरह से तो देखना होगा बच्चे को समय पर क्या कुछ करते हैं क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है खास करके सेकेंड हाफ के मैच में यहाँ हमारे दुर्गापुर के जो टीम है इनके द्वारा भी सेकंड हाफ का मैच बहुत ही बेहतर खेला जा रहा है और इनके द्वारा भी कहीं ना कहीं अटेम्प्ट भी हमने देखा बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया सेकंड हाफ में, हालांकि गोल स्कोर आया नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं एक मजबूत झड़प हो गया है ये बीच में लेकिन क्रॉस हो गया ना जवाब लेकिन इस बार कीपर ने अच्छा नहीं खेल लिया और बराबरी का मुकाबला कहीं ना